रामगढ़ मिलकपुर में लड़की को भगाकर ले जाने की घटना के मामले में सर्व समाज सेवा समिति रामगढ़ द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष प्रदीप बख्शी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने एसडीएम को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उसमें पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए गए कि पीड़ित परिवार द्वारा लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद लड़की बरामद होने पर भी परिवार जनों को सुपुर्द नहीं किया गया, उल्टा परिवार जनों को पुलिस द्वारा धमकाकर विभिन्न मामलों में केस दर्ज किए जाने के आरोप लगाए। वहीं आरोप यह भी लगाए गए कि आरोपी परिवार खुले में घूम रहा है जिन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। आज सर्व समाज समिति द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उनसे निवेदन किया गया कि जो झूठे मुकदमे पुलिस द्वारा हम पे दर्ज किए गए हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए और पुलिस का लड़की को बरामद करने के बाद भी वो नहीं देगी लड़की, जबकि गुमशुदगी की रिपोर्ट में पुलिस को लड़की माता पिता को सौंपनी चाहिए थी। समाज में रोष व्याप्त है, समाज को दबाया जा रहा है, रिश्वतखोरी हो रही है, पुलिस किसी तरह से भी कोई सहयोग समाज के लोगों का नहीं कर रही है। अगर जल्द ही झूठे मुकदमे वापस ना लिए गए और लड़की हमको ना दी गई समझाइश के बाद, तो इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। समाज के लोगों के भरतपुर से लेकर पंजाब से जगह जगह से फोन आ रहे हैं, समाज में रोष व्याप्त है, गाँव में अशांति का माहौल है और पुलिस द्वारा एकदम जो कार्रवाई गलत कार्रवाई की गई है, निर्दोष होने के बावजूद हमारे पे 6 धाराओं में मुकदमे लगाए गए हैं, जबकि दोषियों पे मात्र 2 धाराओं में मुकदमे लगाए गए हैं। हमारे पास लाठी भी नहीं थी, बावजूद इसके हमारे पे 307 तक के संगीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस की मिलीभगत के कारण सब समाज दे समाज में रोष व्याप्त है। इस बाबत विधायक महोदय जी से भी बात हुई है, देव समाज के भी लोग हमारे संपर्क में हैं, जो उनसे हमने अनुरोध किया है कि उस परिवार को जात बाहर किया जाए जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, उनको समाज से बाहर करें, देव समाज भी हमारा सहयोग करें। विधायक महोदय भी हमारे संपर्क में हैं, वो भी अस्वस्थ होने के कारण अभी जयपुर एडमिट हैं, वो भी जल्द ही इस मामले में आगे रणनीति बनाएंगे। अगर समझाइश करके पुलिस हमको लड़की दे देती तो इस तरह की घटनाएं ना होती। पुलिस का बिल्कुल ही निरंकुश रवैया इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हुआ है। पुलिस ने एकदम गांव में पहुंचकर हम पे लाठीचार्ज तक की औरतों को तक को नहीं बख्शा गया। इसमें हमारी औरतों को अब भी छर्रे लगे हुए हैं, उनकी बॉडी के अंदर हैं, लेकिन पुलिस ने मात्र घटना को दबाने के लिए दोनों तरफ से लोग गिरफ्तार करके लीपापोती की है। पुलिस का पूरा सहयोग विशेष समुदाय की ओर है, हमको कोई सहयोग पुलिस का नहीं हो रहा है। तो निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय से कि तुरंत गैर जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसमें फिर प्रशासन को हमारे सहयोग, हमें प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है। प्रशासन जो है, हमारी लड़की गई थी 31/6 को गई थी, 31/5 को गई थी, जो कि लड़की को मुसलमान अगवा करके ले गए। और जिससे हमने पंचायत की, हमसे बोला कि हम लड़की आपको दे देंगे, लड़की नहीं। प्रशासन ने हमारे पे झूठे आरोप लगाकर हमारे पे केस दर्ज किए, हमारी औरतों को छरे लगे, जो कि प्रशासन जो है उनकी मदद कर रहा है, हमारी कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा। हम बहुत परेशान हैं, लड़की नहीं वापस दी, लड़की जो कि हमको अलवर बुला के लड़की आपको दे रहे, वहाँ क्या किया, क्या तुमने प्रशासन ने मिलकर उनको लगा दो, उनको लड़की उनके सपोर्ट कर दी, हम खाली हाथ लौटा है, हम बहुत गुस्साए हुए लोग हैं।